वार्ड नंबर 113 से सबसे क्वालिफाइड उम्मीदवार मंजू रवीन जायसवाल। भांडू पश्चिम की वार्ड नंबर 113 से राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बहुत सुशिक्षित और मृदुभाषी महिला को चुनावी अखाड़े में उतारा है। इस महिला का नाम मंजू रवीन जायसवाल है, जो उम्मीदवार तो एनसीपी की हैं, लेकिन उनका चुनाव निशान सीटी है। दरअसल यहाँ की सीट के लिए आपस में इतनी खींचातानी थी कि राष्ट्रवादी जिला कांग्रेस की ओर से संजय दीना पाटिल ने 8 फरवरी को एक लेटर निकाला, जिसमें मंजू जायसवाल को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया। मैथमेटिक्स से एमएससी और बीएड करके बांदूरकर कॉलेज में प्रोफेसर की बखूबी जिम्मेदारी निभा चुकी मंजू जायसवाल अब राजनीति के क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। मंजू जायसवाल इस वार्ड के लिए काफी कुछ करना चाहती हैं। इस बार इस वार्ड में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने देखा है कि सर यहाँ पे बहुत सारे काम नहीं किए हुए, जैसे कि आप गाँव देवी देखे तो वहाँ पे फुटपाथ नहीं है, लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को जाने के लिए टॉयलेट नहीं है। फिर आगे चल के मैं आगे के एरिया में देखी, जैसे सर्वोदय नगर है, वहाँ पे गली गली में मतलब जैसा पानी भरता है बारिश का पानी, तो आधा तो पानी भर के अंदर आ जाता है। फिर उसके आगे के एरिया में हम लोग ने थोड़ा सर्वे किया तो देखा कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए गार्डन नहीं है वहाँ पे, और भी एजेड है उन लोगों के लिए जैसा वॉकिंग के लिए जगह नहीं है, बच्चों का स्कूल है बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर ग्राउंड टू प्ले ओवर देयर। फिर आगे मंदिर है, मंदिर के बाहर सर इतनी गंदगी है कि आप पूछो नहीं, लोग कचरा वहाँ पे ही फेंक के छोड़ते। हम बाकी जो हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी में सर हम लोग गए 15 सालों से है, पर ये वार्ड मैंने इसलिए चुना है कि मेरे को ऐसा बहुत लगा कि मैं इस वार्ड में आऊँ। तो जैसा हम लोग ने बहुत सारे बच्चों को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज दिया है लेडीज़ लोगों के लिए, टीचिंग कोर्सेज, टेलरिंग कोर्सेज वो भी हम लोग ने किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्सेज भी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि 113 में सर वो जो काम नहीं हुआ है ना, मैं आगे आऊँ, एक एक महिला ताकि वो बेरोजगार घर में नहीं बैठ सके। उधर बच्चे हैं सर, बच्चों को एक्चुअली बीएमसी कितने सारे स्कूल्स हैं हमारे वार्ड में, 2-3 बीएमसी स्कूल है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है सर, वो उसमें सिर्फ 4-5 बच्चे एमटी रखा हुआ है। तो मैंने मन में ऐसा सोचा है कि वो जो बीएमसी स्कूल है जो बंद पड़े वहाँ पे इंग्लिश मीडियम एडेड अलॉन्ग विद द परमिशन आई शुड स्टार्ट ओवर देयर। और बच्चों को इंग्लिश शिक्षा भी होना जरूरी है सर, क्योंकि आज के दौर में आप देखेंगे ना इंग्लिश आना भी जरूरी है। लोग बोलते हैं मराठी ही आनी चाहिए, हिंदी ऐसे नहीं, हिंदी के साथ मराठी भी होना चाहिए, मराठी के साथ इंग्लिश भी साथ साथ होना चाहिए ताकि बच्चा आगे पढ़े, आगे उसका अच्छा स्कोप हो। तो मेरा दोनों फील्ड में है सर, एजुकेशनल भी है प्लस सोशल वर्क डोर टू डोर और भी है। इस वार्ड का अधिकतर एरिया झोपड़पट्टी से घिरा हुआ है। यहाँ के नगर सेवकों ने इससे पहले यहाँ के लिए ठीक से कोई काम नहीं किया, इसीलिए यहाँ समस्याओं की भरमार है। गौतम नगर से मिलिंद नगर के रास्ते में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को बहुत तकलीफ होती है। फुटपाथ का यहाँ नामो निशान नहीं है, भाजी और फिश मार्केट की कमी है, इलाके में एक भी गार्डन नहीं है। हमारे एक संगठन है शहीद भगत सिंह युवा संघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन का स्लोगन है जॉइंट सेंट टू फाइट करप्शन, हम करप्शन के खिलाफ में लड़ते हैं। जब हमें मालूम पड़ा कि ऐसे प्रोफेसर यहाँ से खड़ी है, पार्टी का टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट खड़ी है, संजय पाटिल जी ने उनको सपोर्ट किया है, हमारे संगठन उनको इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि प्रोफेसर है ये, और कुछ जीत के आने के बाद कुछ एरिया का अच्छा करेंगी। जैसे हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख के बड़ा होगा तो एक अच्छा काम करेगा, उसी तरह की है ये, एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर है। बाकी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, हमारे 12 कैंडिडेट में आप देख लीजिएगा, इनके साथ पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको, साफ सभी सूत्र है, प्रोफेसर पढ़ाती हैं, सोशल वर्क बहुत सारा है इनका और पहले से है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन के लिए आई हुई है। हमारा संगठन दिलो जान सिंह के लिए काम कर रहा है और हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि जीत के आए और हमारे वार्ड को अच्छे से अच्छा सुविधा दिलाएं। संगठित हुई है तब से मैं राष्ट्रवादी पार्टी से काम कर रहा हूँ। 15 साल में मैंने बहुत से काम किए एजुकेशन के हिसाब से, 10वीं की एग्ज़ाम सराव परीक्षा जिसको बोलते हैं वो हमने लिए हर साल। उसके बाद में जो भी फर्स्ट आता स्कूल से, एक बच्चे को समझो लैपटॉप, ये हमारा पहला ये शिक्षण के बारे में। दूसरा विषय ऐसा है, बहुत से जगह पर हम लोगों ने बहुत काम किया है।
किधर समझो किसके बच्चों को फी कम है, नहीं भरने के कॉलेज का एडमिशन है, स्कूल का एडमिशन है, बहुत से ऐसे हमने वर्क के बाकी के इधर आपको सब हम दिखेंगे कि अपंग लोग को हमने कुर्सी बांटी है, छोटे मोटे हर साल हमारे पास प्रोग्राम चालू रहते हैं। और प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हम चुन के आने के बाद कि पैसा कमा के कुछ करना है, भगवान की दुआ से हमारे पास बहुत कुछ दिया हुआ है, हम लोग को लोगों की सेवा करने का मौका चाहिए, समर्थन देंगे। 15 साल का हमारा जो काम है, भाऊ का काम है, संजय पाटिल का काम है, हम उनके खंधे समर्थक हैं, वो हिसाब से हमको लोगों ने सपोर्ट देना चाहिए, ये हमारी आशा है। लेकिन इस इलाके की काफी बड़ी आबादी डोंगर पर रहती है, इसलिए इनकी समस्याएं दूसरे इलाकों से थोड़ा अलग है। इस इलाके से 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस इलाके के लिए लगातार की गई समाज सेवा और अपने नेता संजय दीना पाटिल के नाम का सहारा लेकर मंजू रविंद्र जायसवाल अपनी चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। आबिद नकी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।